तो दोस्तों, इस समय सोशल मीडिया पर एक बहुत बड़ी अपडेट सामने आ रही है कि भाई इस बार बिग बॉस क्लियरली खेल गए, और खेल गए से मेरा मतलब बहुत ज्यादा क्लियर है, बहुत ज्यादा बोलते हैं ना एप्ट है कि भाई इस बार जो चीज होने वाली है वो बिग बॉस ने खुद डिसाइड की है। और ये कहीं ना कहीं जितने भी बिग बॉस के कंटेस्टेंट्स हैं दोस्तों, उन सभी लोगों को भारी पड़ने वाली। तो आइए आपको देते हैं इस बारे में पूरी अपडेट कि आखिर ऐसा कौन सा खेल ऑल ऑफ सडन बिग बॉस खेल गए कि सारा का सारा ट्विस्ट और सारा का सारा बदलाव होता हुआ दिखा है। तो नमस्कार, आप देख रहे हैं फीफा फूज और मैं हूं आपका अपना दोस्त और होस्ट गणेश कांदो। आपको बता दें कि ऑलरेडी मतलब एक अलग अच्छे लेवल का गेम जो है वो खेल रहे हैं सभी लोग इस समय, जितने भी लोग बिग बॉस के घर में। यार क्लियर सी बात है, आयशा चलो बाहर हो गई है, ईशा, अभिषेक, मुनव्वर, अंकिता, विक्की, अरुण, मतलब ये सभी लोगों का गेम जो है ना जनता को बहुत एब्सोल्यूट पसंद आ रहा है और बहुत जनता इनको अप्रिशिएट कर रही है। बट इस बार जो सबसे बड़ा टास्क होने वाला है वो ये है कि भाई मतलब सोशल मीडिया पे तो बात हो चुकी है ऑलमोस्ट कि ईशा बाहर हो गई है, लेकिन इस बार इस हफ्ते जैसे फिनाले वीक ऑलरेडी पहुंच चुके हैं, लमसम पहुंच ही चुके हैं भाई, फिनाले वीक में ही है, बट ये खबर सामने आ रही है, अपडेट सामने आ रही है कि भाई इस बार पूरा का पूरा घर नॉमिनेशंस में है। जी, मिडवीक इलेक्शन के लिए पूरे के पूरे घर को नॉमिनेट किया गया है। इस तरीके की बातें, इस तरीके की खबरें और इस तरीके के अपडेट सामने आ रहे हैं। तो दोस्तों, अब देखने वाली बात ये होगी कि कौन अब कौन जो है वो इविक्ट होता है। अगर बात वोटिंग की आती है तो किसको कम वोट मिलता है, या फिर अगर बिग बॉस घर वालों की वोटिंग से निकालेंगे तो कौन बाहर होगा, क्या प्लानिंग प्लॉटिंग होगी इसके आगे, और उसी के साथ साथ अगर कुछ इसके पहले वाली चीजें होती हैं तो किस तरीके से बिग बॉस जो है वो अपना गेम खेल के इन सभी लोगों को बाहर निकालेंगी, ये एक बहुत बड़ा ट्विस्ट होगा। और मिडवे के इलेक्शन में कौन बाहर जाएगा ये देखने लायक होगा। फिलहाल दोस्तों, इस पर आपकी क्या राय है जरूर बताएगा हमें हमारे कॉमेंट सेक्शन में लिखकर। मिलते हैं आप सभी से अगले वीडियो में, धन्यवाद।